नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि में पंडाल में माता रानी का पूजन कैसे करवाया जाता है। आज आपको पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, अधिक से अधिक समझाऊंगा कैसे पूजन करवाना चाहिए, कहां कहां कैसे करवाया जाता है, विस्तार से चर्चा करूंगा। उससे पहले यदि आप गोपाल पंडित जी यूट्यूब परिवार पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी ऐसे पंडित जी लोग हैं जिनको पूजन करवाने में भी समस्या हो रही है उनके पास शेयर करें। देखिए, नवरात्रि में होता क्या है, सबसे पहली बात माता जी का पंडाल लगता है। पंडाल में व्यवस्था सजावट वहाँ की समिति वहाँ के लोगों के अनुसार होती है। यदि अधिक मात्रा में लोग हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं शारीरिक और धन से भी, मन से भी और कर्म से भी, तो वहाँ का पंडाल ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ अधिक संख्या में लोग होते हैं। और जब अधिक संख्या में लोग होते हैं, अधिक सहयोग करते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। मान लीजिए सहयोग करने वाले कम लोग हैं और पूजन पाठ में ध्यान देने वाले कम लोग हैं, व्यवस्था को देखने वाले कम लोग हैं, तो व्यवस्था भी अच्छी नहीं होती है। मैंने देखा है कुछ जगह तो ऐसा होता है ना, केवल माता जी की मूर्ति रख लेते हैं, बस अपने से अगरबत्ती पूजा इत्यादि कर देते हैं, बढ़िया डीजे डांस इत्यादि लगा के 9 दिन खूब नाचते हैं, ठीक। लेकिन कुछ जगह पर लोग पूजन पाठ इत्यादि करने वाले श्रद्धा भाव वाले होते हैं, वो लोग मूर्ति रखते हैं, माता का यथाविधि बढ़िया एक यज्ञ टाइप में करते हैं, सभी वेदियों का निर्माण करवाते हैं, पंचांग देवताओं का अच्छे से पूजन करते हैं, सारा क्रिया उनका बहुत अच्छे से होता है, करने वाले भी अच्छे रहते हैं और करवाने वाले भी अच्छे रहते हैं। ऐसे में ये चीज आपको अपने से ही समझना पड़ेगा, ये चीज आपको अपने से समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ आपके पंडाल की व्यवस्था किस स्तर की है। अब वहाँ के लोग केवल ये चाहते हो कि आप मूर्ति रख के यथाविधि पूजा और पाठ कर दीजिए, तो उनके अनुसार आपको कराना है। लेकिन अगर वहाँ के लोग यह चाहते हैं कि बढ़िया से मूर्ति रखी जाए, सारी वेदियाँ निर्माण की जाए, सारी वेदियों का निर्माण करवाने के बाद बनवाने के बाद पूजन करवाया जाए, तो पंडित जी को अच्छे से करवाने में अच्छा लगता है या मन लगता है और अच्छी दक्षिणा भी मिलती है। खैर, ये चीज़ अब आपको अपने से समझने की चीज़ है। मैं बताता हूँ कि विशेष रूप से पंडाल में या माता रानी की या नवरात्रि में क्या ध्यान दिया जाता है, क्या पूजा पाठ कैसे करवाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 3 मुख्य चीज़ें हैं, इनको आप विशेष रूप से साध लीजिए, तो यदि आप एकदम नए नए भी हैं ना, तब भी पंडाल में पूजन करवा लेंगे, ठीक। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको षोडशोपचार पूजन करवाना आना चाहिए। षोडशोपचार पूजन क्या है, तो पूजन के कई प्रकार होते हैं, जैसे पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, ठीक, इस प्रकार से कई उपचार होते हैं। मुख्य रूप से यही 3 होते हैं, पंचोपचार, दसोपचार और षोडशोपचार। इसमें ये भी सबसे मुख्य जो है वह षोडशोपचार हो जाता है, प्रत्येक पूजन में वो होता है, ठीक। षोडशोपचार में सबसे पहले ध्यान किया जाता है, फिर आवाहन किया जाता है, आसन दिया जाता है, प्रतिष्ठा की जाती है, पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि, इसी क्रम से ये षोडश उपचार होता है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है कि किसके बाद कौन सा क्रम करवाया जाता है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना कर आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। पहली चीज़ हो गई, पहली चीज़ हो गई अपनी षोडश उपचार पूजन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आपको संकल्प बोलना सविधि अच्छे से आना चाहिए। संकल्प में यदि समस्या हो रही है तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत कैसे करना है, आप यदि किसी पंडित जी के पास या किसी पंडित जी के साथ जाते हो पूजन में कहीं, और कोई भी पूजा पंडित जी करवाते हैं, मान लीजिए गौरी गणेश पूजा करवा रहे हैं, महामृत्युंजय करवा रहे हैं, या कोई भी पूजा करवा रहे हैं, ठीक है। जब पंडित जी संकल्प बोलें तो आप मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करके रख लीजिए, घर में लौट करके आइए तो रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनिए और नोट करिए। ऐसे करके जितने पंडित जी आपके संपर्क में आए उनकी मतलब कि संकल्प जो है रिकॉर्डिंग करके नोट करना शुरू करिए। आपका संकल्प कई लोगों को जब आप सुनेंगे तो आपको अपना संकल्प बढ़िया तैयार हो जाएगा, ठीक। साथ में कई पुस्तकों का सहारा लीजिए, प्रत्येक पुस्तक में संकल्प लिखा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप 10-20 बार संकल्प में प्रयास करेंगे तो आपसे संकल्प बढ़िया बनने लगेगा। संकल्प अच्छा कर लीजिए। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अच्छे से करना आप सीख जाइए, कैसे किया जाता है, किसके बाद क्या किया जाता है, ये बहुत अच्छे से आप सीख जाइए। क्यों? क्योंकि यदि आप संकल्प ले लिए कि आप नवचंडी पाठ करेंगे
और फिर नहीं कर रहे हैं तो आपको 100% पूरा पाप आपको लगेगा। यदि ब्राह्मण कर्मकांड अच्छे से करवाता है, सविधि करवाता है, दक्षिणा खूब आप टांस की लीजिए, खूब दक्षिणा लीजिए, यजमान से स्पष्ट कहिए कि मैं इतना दक्षिणा लूँगा तब आऊँगा, नहीं नहीं आऊँगा, ठीक। लेकिन अगर आप चले भी गए, दक्षिणा लें या ना लें, ये आपका कर्म है, आपका धर्म है, इसको आप 100% अच्छे से करवाइए। यदि नहीं करवाते हैं तो आपको 100% पूरा पाप लगेगा। यदि आप अच्छे से करवाते हैं तो 10% पुण्य आपको मिलेगा, 90% यजमान करने वाले को मिलेगा, ठीक है। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि क्या क्या पाठ करना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बनाया, तो उसको आप देख सकते हैं और अपने पुस्तक में टिक कर सकते हैं कि इसके बाद क्या पाठ करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक पाठ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पूरा दुर्गा सप्तशती मैंने तो आज YouTube पर अपलोड कर दिया, लेकिन पढ़ाया नहीं, पढ़ाने की विधि से नहीं, केवल रिकॉर्डिंग करके डाल दिया है। तो उसे आप किस प्रकार से सीख सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, अपने साथ में पुस्तक रखिए, बैठ करके जैसे पढ़ते हैं ना बैठ करके, ऐसे बैठ करके रिकॉर्डिंग सुनिए, पुस्तक में देखते जाइए, तो आपसे पढ़ते बनने लगेगी, यदि आप थोड़ा बहुत संस्कृत पकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। इसके बाद यदि आपके पंडाल में सब वेदियाँ बनी हैं तो बनाएंगे भी आप, ठीक। यदि आप वेदियाँ बनाने जानते हैं तो सर्वप्रथम होता है पंचांग पूजन। सर्वप्रथम क्या होता है? पंचांग पूजन। एक वीडियो हमारा और है, पूजन कैसे शुरू करें, इस पर ये साइड में आपको दिख रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए, तो इससे आपको बहुत सहयोग मिलेगा किस प्रकार से समाज में पूजन शुरू करवाया जाता है। मान लीजिए क्या होगा, फर्स्ट दिन है आज नवरात्रि का, माइक आपको पकड़ा दिए हैं, यजमान बैठ गए हैं, तैयारियां हो गई हैं, 10-20-50 लोग और बैठ गए हैं पूजन सुनने देखने के लिए। अब आपको अंदर से घबराहट हो रही है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ठीक है, आनाकानी कर रहे हैं, तब यहाँ पर आपको ये वाला जो वीडियो है बहुत सहयोग करेगा। मंगलाचरण से जयकारा लगाते हुए आपको शुरू करना है। सर्वप्रथम पूजन शुरू करते ही आपको दीपक प्रज्वलित करवा देना है, दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद मंगलाचरण, पवित्र आचमन इत्यादि करते हुए, प्राणायाम इत्यादि करते हुए फिर मंगल पाठ करना है। मंगल पाठ के बाद स्वस्तयन करना है और श्रीमन महागणाधिपतये लक्ष्मी नारायण नमः इत्यादि, ये जो है इसको बोलना है। उसके बाद करना है संकल्प। संकल्प करने के बाद सर्वप्रथम होता है पृथ्वी का पूजन। जिस स्थान में दो प्रकार के पूजन होता है, एक श्राद्ध कर्म होता है, एक कर्म कांड होता है, यानी पूजन होता है, तो जो पूजन भूमि है सर्वप्रथम उसका पूजन करते हैं। पृथ्वी पूजन करने के बाद फिर करते हैं दीपक का पूजन। अब यहाँ पर 9 दिन के लिए अखंड दीपक जलाई जाती है। दीपक का पूजन करना बहुत सरल होता है, पंचोपचार या दशोपचार से पूजन करते हैं हम लोग। पंचोपचार में क्या होता है, पंचोपचार में केवल गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 आइटम से पूजन करते हैं। गंधाक्षत में क्या आता है, गंध मतलब जितने लगाने वाले आइटम हैं, चंदन, सिंदूर, गंध, ठीक है, अबीर, ये जितने भी लगाने वाली चीज़ हो ये हो गए गंध, और साथ में अक्षत, गंधाक्षत, ये एक में आ जाता है। गंधाक्षत एक हुआ, गंध लगाने वाले अक्षत और पुष्प दो हुआ, धूप, दीप और नैवेद, ये 5 चीज़ों मिलाकर के पंचोपचार पूजन होती है। ऐसा होता है जब शॉर्टकट में आपको पूजन करवाना हो, जल्दी हो, तो यही पंचोपचार पूजन करवा दिया करिए, बहुत सरल है, ठीक है। दीपक का पूजन हो गया, घंटी हो, शंख हो, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो भी हैं उनका आप पंचोपचार पूजन करवा करके फ्री हो जाइए, ठीक। फिर इसके बाद हम करवाते हैं गौरी गणेश का पूजन। गौरी गणेश का पूजन होता है, गौरी गणेश के बाद कलश का पूजन होता है, कलश की प्रतिष्ठा होती है, यही मेन चीज़ है, कलश प्रतिष्ठा। नवरात्रि में कलश की प्रतिष्ठा ही मुख्य चीज़ है, और मैं प्रयास करूँगा कि आपको नवरात्रि से पहले इस पर एक वीडियो दें कि कलश की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, ठीक है, बहुत मैं प्रयास करूँगा कि इस पर एक वीडियो बना के दें। कलश की प्रतिष्ठा करते हैं, फिर कलश प्रतिष्ठा के बाद क्या करते हैं, अब अगर सामान्य मंडप है आपका तो पृथ्वी, गौरी, गणेश, कलश और अधिकतम नवग्रह, गौरी गणेश कलश के बाद नवग्रह का पूजन करा दीजिए। सामान्य समंडप है तो इतने देवी देवता रहते हैं, इससे अधिक नहीं रहते, ठीक, और दुर्गा जी का पूजा डायरेक्ट करा दीजिए। इसके बाद उठा के यजमान को दुर्गा जी के पास ले जाइए और वहाँ पूजन करवा दीजिए। यदि आपका विशाल मंडप है, वहाँ पर सारी वेदियाँ भी निर्माण की गई हैं, तो गौरी गणेश का पूजा किए, कलश का पूजन किए, नवग्रह का पूजन किए, ठीक,
इसके बाद सारी जो वेदियां बनी है तो उसमें हम नवग्रह को छोड़ देंगे, गौरी गणेश कलश तक पूजन करेंगे, नवग्रह का नहीं करेंगे। फिर क्रम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, गौरी गणेश के बाद कलश का और कलश के बाद करेंगे सप्तघृत मातृका षोडश मातृका, दो मातृकाएं होती हैं। अब इसमें भी पूजा पूछा जाए किसका पहले करें, षोडश मातृका या सप्तघृत मातृका, तो पहले षोडश मातृका फिर सप्तघृत मातृका इसका पूजा करेंगे। यदि चतुष्षष्ठी योगिनी का निर्माण किया गया है तो षोडश मातृका सप्तघृत मातृका के बाद चतुष्षष्ठी योगिनी का पूजन करेंगे, ठीक है। चतुष्षष्ठी योगिनी का पूजन हो गया। अब यदि वास्तु पुरुष मंडल का निर्माण किया गया है तो उनका पूजन करेंगे। इसके बाद यदि आप क्षेत्रपाल बनाए हैं तो क्षेत्रपाल महाराज का क्षमा चाहते हैं, नवग्रह का पूजन करेंगे, उसके बाद क्षेत्रपाल का पूजन करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार क्रम सुन लीजिए, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। आपको नवरात्रि के पूजन के अलावा भी ये काम देगा, सत्चंडी, ये महामृत्युंजय, बड़े बड़े पूजा आप करवाएंगे तो उसमें भी ये आपको काम देगा, ठीक है। सर्वप्रथम पृथ्वी का पूजन होता है, सूर्य अर्घ इत्यादि आप पहले यजमान या दे करके पूजन में बैठे, या फिर सूर्य अर्घ भी आप यहीं पर पहले पृथ्वी का पूजन करवा के सूर्य अर्घ दिला दीजिए, वरुण देवता का पूजन इत्यादि करवाने के बाद, उसके बाद फिर आगे पूजन शुरू करें, ठीक है। पृथ्वी का पूजन करवाएं, गौरी गणेश का पूजन करवाएं, कलश का पूजन करवाएं, कलश का पूजन करवाने के बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, जिनको 64 योगिनी कहते हैं हिंदी में, ठीक, चतुष्षष्ठी योगिनी का पूजन करवाएं। इसके बाद फिर आप वास्तु पुरुष का पूजन करवाएं, वास्तुमंडल का पूजन करवाने के बाद नवग्रह का पूजन, फिर क्षेत्रपाल का पूजन। इतना पूजन होने के बाद यदि आप महामृत्युंजय, सत्चंडी इत्यादि कर रहे हैं तो एक प्रधान वेदी होती है, नवरात्रि में भी होती है, ठीक है। प्रधान वेदी में कौन वेदी होती है, देखिए अगर आप यह क्या बोलते हैं महामृत्युंजय कर रहे हैं तो महामृत्युंजय में अधिकतम दो वेदियां या तीन वेदियां हैं जिनको प्रधान वेदी बनाई जाती हैं, सर्वतोभद्र मंडल या तो होती है, या फिर एक लिंगतोभद्र, या फिर चतुर्लिंगतोभद्र, इन तीन में से एक वेदी कोई भी होती है जिनको प्रधान वेदी बनाया जाता है। फिर करवाते हैं माता जी का पूजन, यहाँ भी प्रधान वेदी में से या तो गौरी तिलक मंडल होगा या फिर सर्वतोभद्र मंडल होगा, अधिकतम सर्वतोभद्र मंडल ही रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि सर्वतोभद्र मंडल में सारे देवता आ जाते हैं इसलिए, ठीक है। मान लीजिए सत्चंडी करवा रहे हैं तो सत्चंडी में भी अधिकतम गौरी तिलक मंडल या फिर चतुष्षष्ठी योगिनी, इनमें से देवी जी कोई भी एक वेदी होती है जिसको प्रधान वेदी बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रधान वेदी का पूजन करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं माता जी की मूर्ति के पास, वहाँ पूजन करवाते हैं। मैं प्रयास करूंगा आगे कि प्रतिष्ठा कैसे की जाती है मूर्ति की, शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूंगा। प्रतिष्ठा भी कई प्रकार से होती है, ठीक है। तो उसमें जो पंडाल वाली प्रतिष्ठा होती है गणेश जी का है, जैसे अब गणेश चतुर्थी से गणेश अनंत चतुर्दशी तक, तो गणेश जी का है, माता जी का है, ठीक है, इन सब की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है उस पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। माता जी का पूजन कैसे करवाएं, तो सर्वप्रथम हाथ में अक्षत पुष्प ले करके और उसके बाद फिर माता जी का ध्यान करें। अब ध्यान में आप लौकिक स्तोत्र या ध्यान मंत्र इत्यादि भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक समाज होती है, जब आप कोई चीज़ गा करके बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है इस वजह से, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप ध्यान करवाइए, वैदिक लौकिक कोई भी ध्यान करवा दीजिए, फिर आवाहन करवाइए, आवाहन मंत्र माता जी का बोल करके, फिर करेंगे प्रतिष्ठा। तो आवाहन मंत्र बोलने के बाद मूर्ति के ऊपर ऐसे एक कपड़ा लगा रहता है लाल कलर का या पीला कलर का, उस कपड़े का आप खुलवा दीजिए आवाहन के बाद। कपड़े को खुलवाने के बाद फिर करवाते हैं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मंत्र बोलने के बाद कुछ विशेष प्रतिष्ठा जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा भौकाल टाइट करने के लिए आप हिंदी में यजमान को इसे समझाइए कि अब हम माता जी का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, माता जी को निमंत्रित कर रहे हैं, माता जी को बुला रहे हैं। देखिए यह मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, हम सब अज्ञानी, हम लोग को नहीं पता कि माता जी का स्वरूप कैसा है, लेकिन हम अपने भावनाओं से इस स्वरूप का माता जी का निर्माण करते हैं और फिर इसी स्वरूप में भावनाओं से पूजन करते हैं, ठीक। तो हम ऐसे भावनाओं से माता जी का प्रतिष्ठा करेंगे कि इस बनी हुई मूर्ति में माता जी के नेत्र में जो है शक्ति आए, मस्तिष्क में, हाथ में, इस प्रकार से थोड़ा सा सभा बांधते हुए आप कुछ शब्द हिंदी में बोलिए और फिर वो प्रतिष्ठा का वीडियो देख करके उस प्रकार से प्रतिष्ठा करवाइए, ठीक। बाकी पूजन उसी प्रकार से रहेगा, पाद्य अर्घ आचमन, जल स्नान इत्यादि करवाइए, पंचामृत स्नान करवाइए,
कलावा इत्यादि यानी वस्त्र जो है वस्त्र पहनवा दीजिए। उसके बाद गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल वही सब क्रम जैसे चलता है वही वाला रहेगा। लास्ट में आप बढ़िया से प्रार्थना बोलिए, माता जी के कुछ स्तुतियाँ हैं उनको आप याद कर लीजिए, नवरात्रि में बहुत काम देंगी। जिनके यहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है उनके यहाँ विशेष करके जब स्तुतियाँ आप याद करिए, अच्छी अच्छी स्तुति दूसरे दिन तीसरे दिन बदल बदल के बढ़िया बोलिए। जैसे फर्स्ट दिन आप बोलें दूसरे दिन उसको ना बोलिए दूसरी बोलिए, चौथे पाँचवें दिन फिर फर्स्ट दिन वाली बोल दीजिए। ऐसे करके आप बढ़िया स्तुति प्रार्थना बोलिए, कुछ भजन याद कर लीजिए। आरती वगैरह होने के बाद अगर लोग वहाँ के भावुक अच्छे लोग हैं और थोड़ा सा सहयोग करें तो उन लोगों के साथ आप भजन भी करिए। ठीक, सुबह आपको पूजा करवाने के बाद दिन में जिस समय टाइम मिले उस समय आप पाठ कर दीजिए। नौ दिन में नौ पाठ किए जाते हैं, अब चाहे आप अंतिम दिन ही सारे पाठ कर दीजिए चाहे नौ दिन में एक एक पाठ करिए, जैसी आपकी इच्छा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि सीखने के लिए मिला हो तो गोपाल पंडित जी यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब करिए और जिनको आवश्यकता हो ऐसे लोगों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।